सर, एक हमारे ऑडियंस हैं उड़ीसा से, जन्मजय प्रधान जी, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार वो सवाल पूछेंगे। सर माय जोश सेल्फ धर्मेंद्र प्रधान फ्रॉम उड़ीसा। सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और सर मेरे कोरी सर कभी कभार सर जैसे मैं प्लानिंग करता मन मन में मैंने गुस्सा आ जाता सर एंग्री, तो सर मैं कैसे कंट्रोल करूँ सर, इसमें थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए सर। अनिल, आप इनका मैसेज दोहरा देंगे? सर ये कह रहे हैं कि कई बार इनको गुस्सा आता है, एंगर आता है, तो हाउ दे हैव टू बी कंट्रोल एट दैट इमोशन। बहुत बढ़िया है, दो तरीके हैं, एक तो अकल आ जाए, या फिर आप एक काम करो ना, अपने से ताकतवर आदमी के ऊपर गुस्सा कर लो एक बार अकेले में, फिर आपको नहीं आएगा कभी। मैं आपको अब इसका तरीका बताता हूँ, ये तो मजाक की बात है, मैं मजाक भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं। देखो ऐसा है, जन्मेजय, गुस्सा जब भी आपको आता है, आपके कुछ बने हुए रूल हैं, और जब भी आपको लगता है कि उस रूल को लोगों ने तोड़ दिया है, तो आपको गुस्सा आता है। आपने रूल बना रखा है, आपने क्या बना रखा, बचपन से आप गांव में रहते थे, रूल बन गया कि पत्नी को शांत भाव की होना चाहिए, आपने यही पढ़ा था, पत्नी ने मान लेते जोर भाव से बोल दिया, आपको गुस्सा आ गया। आपको सबने बता रखा है कि बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, बच्चों को होमवर्क करना चाहिए, और आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा तो आपको गुस्सा आएगा। मैं तो ये कहूं, क्यों करना चाहिए बच्चे को होमवर्क, बच्चे को तो खेलना चाहिए। रूल तो आपने बना रखे हैं ना गुस्से के, बेसिकली रूल तो आपने बना रखे हैं, और उन रूल को जब भी कोई तोड़ता है तो ऐसा लगता है कि आपने आपके ऊपर अटैक कर दिया, यानी कि इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्लोइटेशन ऑफ द सेल्फ वैल्यूज, यानी कि मैंने अपने कुछ रूल बना रखे थे, लोगों ने उसे तोड़ दिया तो मुझे गुस्सा आएगा। तो पहला काम करें कि जहां पर भी गुस्सा आ रहा, देखो कि ये गुस्सा सचमुच में आपके अपने बनाए हुए रूल्स की वजह से आ रहा है कि सचमुच में गुस्से की बात है, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है कि अपने इंटरनल रूल को बदल लो, इंटरनल रूल को बदल लो, ठीक है। तीसरी बात ये है कि अगर गुस्सा आपको बार बार एंग्जाइटी की वजह से आ रहा है, तो एंग्जाइटी ठीक कर लो। अनिल जी, आपकी एंग्जाइटी या पैनिक, अगर तो नहीं आता, पैनिक तो नहीं आता, पैल्पिटेशन तो नहीं बढ़ रहा, उसकी वजह से आता है तो उसे ठीक कर लेना। वरना ये गुस्सा जब भी आता है, वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हायरार्की आपकी टूट जाती है, आपके मूल्यों को ऐसा लगता है किसी ने नुकसान पहुंचाया। और सबसे बढ़िया बात है, आप 10-15 बार मेंटल रिहर्सल करो कि वो आदमी गुस्सा कर रहा है, आपका बॉस, और आप फिर भी मुस्कुरा रहे हो, बीबी आपका गुस्सा कर रही है, मुस्कुरा रहे हो आप, बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हो, पेरेंट्स गुस्सा कर रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हो, इस तरह की मेंटल रिहर्सल कर लो, ठीक है ना। और दूसरी बात है, मेंटल रिहर्सल करते हुए इमेजिन करो कि वो जितना ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, आपकी उतनी ज्यादा हंसी आ रही है, ठीक है ना, फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। राइट राइट।